हेलो, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज, है ना। प्रोबेबिलिटी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिकली तीन चार दो तीन लेक्चर है, तीन चार लेक्चर, जितने भी लेक्चर में ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, तो आप लोगों ने काफी चीजें पढ़ के रखी है, तो मैं रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। मतलब इतना डेप्थ में नहीं जाया जाएगा, रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू और सीटी के हिसाब से आप मान सकते हैं, और थोड़ा बहुत हम लोग मेंस का लेवल भी टच करेंगे, है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, है ना। प्रोबेबिलिटी आप लोगों को पता ही क्या होता है, किसी भी चीज का चांस, है ना। जैसे अगर हम लोग सीधी बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वेदर, जैसे वेदर फोरकास्ट आता है, तो वेदर फोरकास्ट में भी ऐसे तो बोलता नहीं है कि आज तो पानी गिरेगा ही। आज क्या बोलता है कि हाँ आज पानी गिरने के इतने चांसेस हैं, या इंडिया के मैच जीतने के इतने चांसेस हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की जो क्लासिक डेफिनेशन है। जैसे मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी की जो हम लोगों की क्लासिक डेफिनेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। क्या है हम लोगों का, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इतना तो पढ़ के ही रखा है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, किसी भी इवेंट का अगर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सारे इवेंट देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो हम लोग को एक कॉइन है, कॉइन को अगर हम लोग टॉस करें, दो बार टॉस करते हैं, ज्यादा टॉस नहीं करते हैं, ठीक है। टू टाइम्स, कितने, एक ही कॉइन है, उसको टू टाइम्स हम लोगों ने क्या किया, टॉस किया। हेड हेड आएगा, टेल हेड आएगा, हेड टेल आएगा, और क्या आएगा हम लोगों का, टेल और टेल आएगा आएगा। अब यहां पे ये क्या हो गया हम लोगों का पूरा, ये अगर मैं बात करता हूं, ये क्या हो गया हम लोगों का, सैंपल स्पेस हो गया। ये क्या हो गया हम लोगों का, सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस मतलब क्या, जितने भी अगर जैसे जितने भी कोई भी हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें कितने केसेस पॉसिबल है, टोटल आउटकम, बेसिकली क्या टोटल आउटकम कितने पॉसिबल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सैंपल स्पेस है। ये क्या हम लोगों का, सैंपल स्पेस है। इसी चीज में एक आता है सैंपल पॉइंट आता है। सैंपल पॉइंट यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे ना, कॉइन को अगर टॉस कर रहे हैं तो हमारा हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो ये होगा हम लोगों का सैंपल पॉइंट होगा। ये क्या होगा हम लोगों का, सैंपल पॉइंट होगा। तो यहां पे डिफरेंस है, बेसिकली क्या है, डिफरेंस है। किसमें डिफरेंस है आप लोगों का, सैंपल स्पेस एंड सैंपल सैंपल पॉइंट में डिफरेंस है। सैंपल सैंपल पॉइंट क्या होता है कि आउटकम क्या क्या आएगा, आउटकम क्या क्या आएगा, हेड और टेल आएगा आएगा। सैंपल स्पेस क्या होगा कि इस जो सैंपल पॉइंट है इससे हम लोग कितने सारे केसेस बना सकते हैं, डिफरेंट पॉसिबल आउटकम। क्योंकि कॉइन को अगर हम लोग टॉस करें तो टॉस करेंगे तो दो ही चीज पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा नहीं सोले वाला कॉइन नहीं है कि दोनों आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो सीधी सी बात है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये होगा हम लोग का सैंपल पॉइंट। बट जब अगर इसको हम लोग दो बार टॉस कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं कॉइन को एक बार टॉस करूं या दो बार टॉस करूं या तीन बार करूं या हजार बार टॉस करूं, हेड और टेल के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। आ सकता है क्या, नहीं। वो हो जाएगा हम लोगों का सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस क्या होगा कि कितने पॉसिबल आउटकम्स उससे बन सकते हैं। अब क्या क्या आउटकम बन सकते हैं आपके, कि हेड टेल अगर दो कॉइन की बात कर रहे हैं तो क्या क्या बन सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। तो टोटल कितने हमारे बनेंगे, ये टोटल आउटकम कितने बन जाएंगे, फोर आउटकम बन जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। तो ये आपको डिफरेंस इसमें समझ में आ गया होगा कि सैंपल पॉइंट एंड सैंपल स्पेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की क्लासिक डेफिनेशन यही है कि किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब वो मान लेते हैं वो इवेंट ई है। अब जो इवेंट ई होता है ना, वो हमारा जैसे सैंपल स्पेस की बात कर लिए, सैंपल स्पेस बनता किससे है, सैंपल पॉइंट से बनता है, बनता है। अगर मैं बात करता हूं इवेंट, किसकी बात करता हूं, एक वर्ड आता है हम लोगों का इवेंट। इवेंट क्या होता है हमारा, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्या होता है हम लोगों का, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। बेसिकली क्या होगा कि जो इवेंट होगा, कोई भी इवेंट है, वो हमारा किससे बनेगा, सैंपल स्पेस से ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे इस चीज की बात करते हैं। अब जैसे कोई एक इवेंट ले लेते हैं, हमारे मैंने माना इवेंट इवन, इवेंट इवन, उसको बोल दिया कि नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल मतलब एक ही बार टेल्स आएगा। अगर हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कॉइन को क्या कर रहे हैं हम लोग, टॉस कर रहे हैं, तो केवल एक बार टेल आए, केवल क्या है, एक बार ही, नंबर ऑफ टाइम सेल्स कितने आएंगे, केवल एक बार। तो वो हमारा इवेंट इवन क्या क्या हो जाएगा, टेल हेड,
डिड टेल, ठीक है, केवल एक बार, ठीक है, हेलो, हाँ, ओनली वन टाइम, तो ये हमारा इवेंट इवन हो जाएगा। E2 मान लेते हैं, हम लोग बोलते हैं एटलीस्ट वन टाइम, एटलीस्ट वन टाइम टिल, एटलीस्ट वन टाइम टेल का बोल देते हैं, तो क्या होगा, टी एच एच टी टी टी, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का E2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का E2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसी चीज में प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर इवन की बात करूं, इवन, इवन क्या है, ओनली वन टाइम हेड, ओनली वन टाइम हेड, तो कितना आ जाएगा, टू, फेवरेबल केस कितना है, टू, टोटल नंबर ऑफ केस कितना है, फोर, तो आंसर कितना आ जाएगा, हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर E2 की बात करूं, E2, तो थ्री अपॉन फोर, तो यही क्या होगा हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीजों को नोट करके लिख सकते हैं कि सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस, देन प्रोबेबिलिटी की क्लासिक डेफिनेशन, इन सब के बीच डिफरेंस क्या होता है, ये सारे हम लोगों ने यहां पे चीजें अभी पढ़ी है। स्पेशली डिफरेंस इसमें समझ में आना चाहिए कि सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट में क्या डिफरेंस है, देन इवेंट क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ ही लिया है, एक काम करते हैं ऑड इन फेवर पढ़ लेते हैं। ऑड इन फेवर दो टर्म होता है, ऑड इन फेवर, ऑड इन, ऑड इन अगेंस्ट, ठीक है, ऑड इन फेवर, क्या टर्म होते हैं हम लोगों के, दो टर्म, ऑड इन फेवर, एंड दूसरा जो हम लोगों का टर्म होता है ऑड अगेंस्ट, इन बोलना चाहते बोले ऑड इन, ऑड इन फेवर या ऑड अगेंस्ट, ठीक है, ये दो टर्म है, ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट, ठीक है। ऑड इन फेवर होता है m इज टू n, अब यहां पे इस फॉर्मूले को चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, m अपॉन m प्लस n, m क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, n क्या है, नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, और ये क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है। तो ऑड इन फेवर क्या होता है, m इज टू n, m यहां पे वही अगेन कि नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, और ऑड अगेंस्ट n क्या होगा, नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, ठीक है। तो फेवर वाले जो केस में क्या होता है, m पहले आता है, m इज टू n हो गया, और ऑड अगेंस्ट में क्या होगा, n इज टू m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n इज टू m हो जाएगा। इसी के बेस पे एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, मान लो कोई प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी था किसी इवेंट का, प्रोबेबिलिटी दे रखा है ऑड इन फेवर दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑड इन फेवर, लेट ऑड इन फेवर हम लोगों को टू इज टू थ्री दे रखा है, दे रखा है। अब टू इज टू थ्री का मतलब देने का क्या है कि उसके जो उसका जो प्रोबेबिलिटी, अब इसका बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इस केस पे अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, तो प्रोबेबिलिटी अब यहां पे देखा जाए तो मैंने बोला है कि इसको किससे रिलेट कर लो, m is to n से रिलेट कर लो, कर लोगे तो करोगे तो क्या आएगा बताओ, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी 2 अपॉन 2 प्लस 3, तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोगों का, 2 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑड इन फेवर एंड ऑड इन अगेंस्ट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है ऑड इन फेवर का, ऑड इन फेवर m is to n होता है, m is to n, किसी चीज को फेवर करना, किसी भी चीज को फेवर करना, ठीक है। तो फेवर करने वाली चीज में ऊपर आएगा फेवरेबल वाला चीज, नीचे आएगा अनफेवरेबल वाला चीज, इसमें उल्टा अनफेवरेबल पहले आएगा, फेवरेबल बाद में, यहां पे m होगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को भी कर सकते हैं। ऑड अगेंस्ट वाला का देख लेते हैं, चलो लेट ऑड अगेंस्ट टू इज टू फोर, टू इज टू सेवन है, टू इज टू सेवन, तो इस केस में क्या है, उल्टा है, ऊपर क्या होता है n, नीचे क्या होता है m, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e क्या आ जाएगा, m अपॉन m प्लस n, तो 7 अपॉन 9 आएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ऑड अगेंस्ट और ऑड इन फेवर का क्या मतलब होता है, ऑड इन फेवर में क्या होता है कि ऊपर जो आता है वो फेवरेबल होता है, और ऑड अगेंस्ट में जो ऊपर आता है वो क्या होता है, अनफेवरेबल चीज होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज को हम लोग याद रखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी चीजें और देखते हैं इस चीज पे।
ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। अब हमारा आता है दो तीन डेफिनेशन और देखते हैं। सबसे पहली चीज फ्योर इवेंट। अब फ्योर इवेंट का मतलब क्या है कि जिस भी इवेंट को हम लोग फ्योर इवेंट कब बोलेंगे, जब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाए, वन हो जाए। फिर इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या आता है, प्रोबेबिलिटी कितना होगा, जीरो। सीधी सी बात है, किसी भी इवेंट को फ्योर इवेंट का बोलेंगे मतलब वो क्या हो रहा है, टोटली कंप्लीट हो रहा है। तो अगर कंप्लीट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हम लोगों की, वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का कितना हो जाएगा, जीरो। अब ये जीरो का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब क्या, वो इवेंट होगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला देख लेते हैं, सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये दो टर्म है, एक और है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो वर्ड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक इवेंट, एक है हम लोगों का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और सेट ऑफ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ये दोनों के बीच डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को डिसजॉइंट इवेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट इवेंट भी बोला जाता है, या और वर्ड बोलना चाहोगे तो इसको इनकम्पेटेबल, इनकम्पेटेबल इवेंट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये है। और एक और चीज है, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। ये तीन है, तीनों के बीच लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि सर मतलब क्या है, हमको ये समझ में ही नहीं आता। तो देखिए बहुत सिंपल मीनिंग में देखते हैं, सेट ऑफ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये वाले वर्ड को, ये वाला तीन है, वन टू थ्री, ये तीन इवेंट है, ठीक है। तो इस तीन इवेंट को हम लोग देखते हैं कि सर ये तीनों के बीच डिफरेंस क्या है, कैसे इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्ट पूरा, एग्जॉस्ट होना पूरा। तो इस इवेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है, क्या करते हैं सबसे पहले इस वाली चीज को, डेफिनेशन को समझ रहे हैं हम लोग, है ना। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सैंपल स्पेस है, ठीक है। सैंपल स्पेस में चलो हम लोग बोल देते हैं कि हम लोगों ने एक डाइस को थ्रो किया है, ठीक है। तो डाइस को क्या है, हमारा इवेंट क्या है, इवेंट, ठीक है। चलो इवेंट क्या है हम लोग का, कि हम लोगों ने डाइस को थ्रो किया, थ्रो किया डाइस को। अगर मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो उससे हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा, तो सैंपल स्पेस SS क्या आएगा, या तो वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है, आ सकता है। अब इतनी सारी चीजें तो आ गई हम लोगों की, मैंने क्या किया, इसे एक इवेंट इवेंट डिफाइन किया। जब मैंने डाई को थ्रो किया, जब मैंने क्या किया, डाई को थ्रो किया, तो उससे इवेंट नंबर आया, उससे क्या आया, एक इवेंट नंबर, तो टू फोर सिक्स। फिर मैंने एक और फेंका ई टू, जब उसको ड्राई को थ्रो किया तो उसको मैंने बोला कि ऑड नंबर, वन टू थ्री। फिर मैंने एक इवेंट E3 डिफाइन किया, इवेंट E3 क्या डिफाइन किया, प्राइम नंबर, तो टू थ्री फाइव, वन प्राइम नंबर नहीं होता है, तो टू थ्री फाइव यही होगा। अब अगर सैंपल स्पेस ये हो गया, सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब, एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब समझिए, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट का हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट में मैंने क्या बोला, कोई एक सैंपल स्पेस लिया मैंने, एग्जांपल से समझाते हैं, एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कि मैंने कोई एक सैंपल स्पेस लिया, उससे इवेंट, एक इवेंट डिफाइन किया, इवेंट इवन क्या है, इवेंट नंबर आना, इवेंट E2 क्या है, ऑड नंबर आ रहा, इवेंट E3 क्या है, प्राइम नंबर आना, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर मैं बात करता हूं इवेंट E1 एंड इवेंट E2 की, ठीक है, फिर मैं बात करता हूं E2 एंड E3 की, फिर बात करते हैं E1 एंड E3 की, और E1 एंड E3, ये सारे चार इवेंट है, इसके मतलब चार का कॉम्बिनेशन है, सेट बोला ना, तो मतलब क्या होगा, किसी दो का कॉम्बिनेशन है, सबको लेना पड़ेगा। अगर हम लोग किसी भी दो इवेंट, किसी भी दो इवेंट को ले ले, उसको अगर हम कंबाइन करें, उसको क्या करें, अगर हम लोग कंबाइन करें, उस कंबाइन करने से अगर हमको सैंपल स्पेस मिल जाता है, क्या कर जाता है हम लोगों को, सैंपल स्पेस मिल जाता है, तो ऐसे इवेंट्स को, ऐसे जो दो इवेंट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं
कि ये दोनों म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे। क्या होंगे? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे। दोबारा सुनिए कि कोई इवेंट एक सैंपल स्पेस दे रखा होगा, सैंपल स्पेस पता ही रहता है हम लोगों का, कोई भी चीज दे रखी हुई है। अब उससे इवेंट मैंने E1 बनाया, E2 बनाया। अगर मैं इवेंट E1 और E2 को मैंने लिया, अगर मैं इवेंट E1 E2 को अगर मैं ले लूं और दोनों का यूनियन ले लूं, मैं दोनों का क्या कर दूं? यूनियन। अब यूनियन ले लो या कंबाइन कर दो, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। मैं बोलता हूं चलो मान लो उन दोनों इवेंट को मैंने ले लिया, दोनों इवेंट का मैंने मान लो यूनियन ले लिया, और अगर इवेंट E1 और E2 का अगर मैं यूनियन लूं और उस यूनियन लेने की वजह से मुझे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए, मुझे क्या मिल जाए? पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए, तो ऐसे दो इवेंट या ऐसे तीन इवेंट, अब जरूरी नहीं कि दो इवेंट हो, इवेंट तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, कितने भी इवेंट को हम लोग देख सकते हैं। तो अभी पहले दो की बात करते हैं। तो ऐसे अगर दो इवेंट कंबाइन होके या यूनियन लेके हम लोगों का सैंपल स्पेस ही बना दे, तो ऐसे दो इवेंट को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों भाई म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट हैं। क्या है आपके? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट हैं, ठीक है। फिर आपको समझ में आ गया वाली चीज, अब इससे देखते हैं क्या E1 E2 हमारा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होगा। देखिए E1 246, E2 123, अगर दोनों को मैं कंबाइन करूं या यूनियन लूं तो क्या मिलेगा? पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो इसका मतलब पक्का ये हम लोगों का क्या है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है। बात करते हैं E2 E3, E2 एंड E3, अगर मैं E2 E3 का यूनियन लूं तो क्या मुझे पूरा सैंपल स्पेस मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो ये हम लोगों का नहीं होगा। फिर बात करते हैं E1 E3, क्या E1 E3 को कंबाइन करने पे सैंपल स्पेस मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो ये भी हम लोगों का सेट ऑफ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं होगा। फिर E1 E2 E3 को ले लो, किसको ले लो? E1 E2 E3 को ले लो। ले लिया E1 E2 E3 को, पूरे को अगर मैं कंबाइन करूं तीनों इवेंट को और तीनों का अगर मैं यूनियन लूं, क्या लूं तीनों का? यूनियन लूं, तो क्या हमें सैंपल स्पेस मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, तो ये क्या होगा? हम लोगों का म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होगा, ठीक है। चलो तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है, कि एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोगों का अगर दो इवेंट दे रखा है, दो इवेंट को अगर मैं कंबाइन कर लूं या यूनियन ले लूं, उस कंबाइन यूनियन करने से अगर हमारा पूरा सैंपल स्पेस मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट की। किसकी बात करते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। अब मान लो हम लोगों को कोई इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखा है, जैसे दो इवेंट दे रखे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं और एक डाइस को थ्रो कर रहा हूं, ठीक है। तो लॉजिकली अगर उसको हम लोग देखें तो कॉइन को टॉस करना और हमारा डाइस को थ्रो करना एक दोनों से टोटली डिपेंडेंट ही नहीं होंगे, ये क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि एक का रिजल्ट दूसरे के रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बट मान लो हम, ये तो देख के समझ में आ जाएगा सर कि अगर दो डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट हैं, कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है? इवेंट है, तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ अगर इवेंट दे रखे हैं तो वो तो इंडिपेंडेंट हमेशा होगा, ठीक है। बट एक ही इवेंट के अंदर हम लोग ने मान ले दो इवेंट बना दिया, जैसे मैंने कॉइन को डाइस को थ्रो कर रहा हूं, उससे मैंने इवेंट E1 E2 E3 बना दिया या ए कुछ भी इवेंट बना दिया। अब मेरे को पता करना है कि E1 E2 हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का बेस्ट तरीका होता है कि आपका क्या करिए, इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि इवेंट ए एंड बी, क्या? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर बराबर दे रखा है तो ऐसे इवेंट को हम लोग बोलेंगे कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। और कोई भी चीज नहीं करना है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट होना है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ अगर हम लोगों ने चीजें की हैं, एक्सपेरिमेंट किया है कि कॉइन को टॉस करें या डाइस को थ्रो करें, तो उसको देख के ही हम बता सकते हैं कि भाई ए और बी जो दो इवेंट हैं, जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उससे कोई भी इवेंट आप बना लीजिए, वो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ठीक है। बट उसे थोड़ा अलग, वो सिंपल, अगर सिंपल केसेस में लिया जाए तो, है ना, वहां पर भी कंडीशन अप्लाइड है तो वो चार हमारे इंडिपेंडेंट होंगे। पर एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम लोग दो तीन तरीके के इवेंट डिफाइन कर दें, क्या कर दें? दो तीन तरीके
के इवेंट डिफाइन कर दे, तो सर ऐसे केसेस को कैसे पता करें कि सर ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा या नहीं होगा? तो उसके लिए हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है? इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन की, दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। अगर ये चीज यू सेटिस्फाई करता है तो वो दो इवेंट को हम लोग क्या करेंगे? बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। डेफिनेशन आप बहुत सारे बुक में लिखे हैं, वो सब पढ़ सकते हैं, थ्योरी में लिखाया गया। मेन यहां पे हमारा एम है कि समझना क्वेश्चन को कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हमारा ये चीज कि हम, मैं पूरा जो आज पढ़ा रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। थ्योरी अगर किसी को एकदम कि सर इसका मेरे को एकदम क्लासिकल थ्योरी दो, क्लासिकल थ्योरी कि सर ये क्लासिकल थ्योरी लिखवाओ, तो मैं वो नहीं लिखवाऊंगा, वो आपको जाके नोट्स में देखने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी नोट्स हैं आपके पास, जो भी नोट्स बुक जिसमें भी, एक्चुअल में इस चीज का मतलब क्या है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां आज, वो एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। वैसे इंडिपेंडेंट इवेंट में भी यही चीज है, ठीक है। तो आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेट ऑफ ये इस वाली चीज, पहले रफ कर देते हैं फिर इसके बाद आगे बात करेंगे। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, पहले थोड़ा समझ लेते हैं पूरी थ्योरेटिकल पार्ट जो स्टार्टिंग का है, है ना, तो उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, डिसजॉइंट इवेंट एंड इनकॉम्पेटेबल इवेंट, ठीक है। इसका मतलब यह होता है कि अगर आपको चेक करना है तो आप चेक करिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए, आपका जीरो आ जाए, क्या आ जाए, आपका जीरो आ जाए, ठीक है। या इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि एक के ऑकरेंस, एक का ऑकरेंस दूसरे को क्या कर जाए, रूल आउट कर जाए, क्या कर जाए आपको दूसरे का, क्या कर जाए दूसरे इवेंट को, रूल आउट हो जाए, ठीक है। दूसरे तरीके में आप ये भी बोल सकते हैं कि एक इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट नहीं हो रहा होगा, क्या होगा, क्या एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या है कि एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट को क्या कर देगा, रूल आउट कर देगा, ठीक है। मतलब कि एक इवेंट अगर हो रहा होगा तो दूसरा इवेंट नहीं हो रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव या डिसजॉइंट इवेंट या इनकॉम्पेटेबल इवेंट, सॉरी एक्सक्लूसिव, मैंने गलती से एग्जॉस्टिव बोल दिया, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका अगर मैं डायग्राम वाइज बात करूं तो दो इवेंट आपके कब होंगे, इंडिपेंडेंट सॉरी एग्जॉस्टिव, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे, या डिसजॉइंट इवेंट, डिसजॉइंट सेट पढ़ा होगा आप लोगों ने, वहीं से आया ये डिसजॉइंट इवेंट। कोई भी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसे दो तीन इवेंट डिफाइन किए, अब दो तीन इवेंट को अब जब डिफाइन कर दिया तो दो तीन इवेंट डिफाइन करने के बाद हम ये पूछ रहे हैं कि भाई ये दो तीन इवेंट आपका एक्सक्लूसिव इवेंट कब होगा, एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट कब होगा, कब होगा जब दोनों के इंटरसेक्शन का अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं वो किसके बराबर आ जाए, आपका जीरो के बराबर आ जाए। अगर उसके दोनों की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन अगर जीरो, जैसे ये जो ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी अगर आपका जीरो आ गया तो उस केस को हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट बोला जाएगा, क्या बोला, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला जाएगा। तो यहां पे दो चीज इंपॉर्टेंट था, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर ये होगा तो दोनों इवेंट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, और ए इंटरसेक्शन बी जीरो होगा इसका मतलब क्या होगा, एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, ठीक है। मतलब कोई भी चीज ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा होगा, उसको हम लोग ये चीज बोलेंगे, ठीक है। अभी डाइस वाला याद है, हम लोगों ने कुछ देर पहले डाइस वाला एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पे मैंने इवेंट इवन डिफाइन किया था तो इवेंट इवन मैंने क्या क्या लिखा था, 2, 4, 6 लिखा था, सैंपल स्पेस क्या लिखा था बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर E2 लिखा था, E2 क्या लिखा था, ऑड नंबर आना, 1, 3, 5 ये लिखा था। अब ये जो इवेंट E1 एंड E2 है ना, और E3 भी लिखा था ना, हाँ E3 भी लिख लेते हैं, E3 लिखा था मैंने प्राइम नंबर, तो 2, 3, 5 लिखा था मैंने। E1 और E2 को क्या बोला था, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट भी बोला था, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट
क्योंकि अगर E1 और E2 का यूनियन ले तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। E1 और जो E2 है ना, ये दो इवेंट, इनको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर मैं यहां पे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, तो ये भी हम लोगों का जीरो ही आएगा। क्या आएगा हम लोगों का? जीरो ही आएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा तीन चीजों के बीच, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट के बीच आपका डिफरेंस क्या है। थोड़ी सी डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस यहां पे नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको पहले रफ कर देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये सबका मतलब क्या था। एक मिनट, तो अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दो मिनट देना। चलिए अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। किसी मैं क्वेश्चन सर्च कर लूं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन लिखिए। एक कार्ड इज ड्रॉन, सिंपल से पहले सबसे पहले कार्ड वाला देखते हैं। कार्ड वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है हम लोगों का, कि क्वेश्चन इसमें लिखिएगा। ए कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम, एट ए रैंडम पैक ऑफ कार्ड, एट रैंडम पैक ऑफ कार्ड, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम पैक ऑफ कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट कार्ड ड्रॉन इज नाइदर ए हार्ट, नाइदर ए हार्ट नॉर ए किंग। ठीक है, क्या है हम लोगों का यहां पे क्वेश्चन क्या है, कि कोई 52 अब कार्ड है, कार्ड में टोटल कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं, होते हैं 52, 52 होते हैं ना। अब 52 में हम लोगों का टोटल बात करते हैं कितने सूट्स होते हैं। सबसे पहले क्या बात करते हैं? सूट्स की बात करते हैं। तो हमारे 52 कार्ड में कितने सूट्स होते हैं? टोटल चार, डायमंड हार्ट स्पेड, क्या क्या होता है? डायमंड हार्ड स्पेड एंड वन मोर इज क्लब। ये क्या होते हैं हम लोगों के? चार सूट्स होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो चार है इनको हम लोग बोलते हैं सूट्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? सूट्स बोला जाता है। अब इसमें हम लोगों के सारे ये कितना होगा? 13। ये कितना होगा? 13। ये भी कितना? 13 होगा, और ये भी हम लोगों का 13 होगा। ठीक है, जो डायमंड और हार्ट होता है ये आपका रेड कलर का होता है, और ये जो स्पेड और क्लब होता है ये होता है आपका ब्लैक। अब याद कैसे रखना है? डायमंड और हार्ट प्यार का सिंबल है, लव आता है ना डायमंड, क्योंकि प्यार से तभी तो हम लोग क्या अंगूठी उंगूठी देते हैं। ठीक है, तो डायमंड और हार्ट, हार्ट है, हार्ट क्या होगा? क्योंकि हार्ट भी तो क्या रेड कलर का होता है, तो डायमंड और हार्ट रेड कलर के। स्पेड और क्लब कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। इसके बाद हम लोग का आता है, ये तो हो गया होगा, फिर आता है हमारे पास फेस कार्ड। क्या आता है हमारे पास? फेस कार्ड। ये टोटल होते हैं 12। कितने टोटल कहते हैं? 12। कौन कौन से? किंग, क्वीन एंड जैक, इन ये टोटल 12 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कार्ड को अगर मैं पूरा डिवाइड करूं, गेम को अगर पत्ते को डिवाइड करें, तो 52 कार्ड, चार सूट्स। ठीक है, चार कितने होते हैं? सूट्स होते हैं। क्या क्या? डायमंड हार्ड स्पेड क्लब। डायमंड और हार्ड रेड कलर का, स्पेड एंड क्लब कौन से कलर का? ब्लैक कलर का होता है। होता है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसमें क्या क्या होता है? इक्का होता है, दुग्गी होता है, तिग्गी होता है, चौगी, ऐसे करके पूरा चलता रहता है। टोटल 13 होते हैं, चार चार का सब होता है ना, और हर में एक एक का क्या होगा? सूट होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं इक्का का, बात करता हूं, इक्का में एक डायमंड होगा,
एक हार्ट होगा, एक स्पेड होगा और एक क्या होगा, क्लब होगा। तो अगर इसी चीज की बात करते हैं तो हमारे इक्का में कितने रेड कलर के होंगे, दो रेड कलर के होंगे, और कितने आपके कितने आपके ब्लैक कलर के होंगे, दो ब्लैक के। ठीक है, तो अब कार्ड को अगर हम लोगों ने निकाला है तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, 52 है। कितना है सैंपल स्पेस हम लोगों का, 52 सैंपल स्पेस है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है ना 52 कार्ड में, सारे कार्ड डिफरेंट होते हैं। अब उसने क्या बोला है कि हार्ट नहीं होना चाहिए, नेदर ए नेदर हार्ट नॉर ए किंग, नेदर ए हार्ट नॉर ए किंग, ये बात कर रहा है। तो हमारे पास टोटल हार्ट कितने होते हैं, टोटल हार्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा कितना, 13 पढ़ा, और किंग कितने होते हैं, चार होते हैं, चार, तो 13 + 4 17 आ गया। बट इसमें एक क्या था, अनफेवरेबल था। अनफेवरेबल क्या था हम लोगों का, कि जब मैंने 13 हार्ट काउंट किया तो इसमें एक किंग भी तो काउंट हो गया होगा, तो उस किंग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को हटाना पड़ेगा। टोटल कितना आ जाएगा, 16। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इस इवेंट की, 16/52 आ जाएगा। क्या जाएगा, 16/52 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, द लेटर ऑफ द वर्ड, द लेटर ऑफ द वर्ड, द लेटर ऑफ द वर्ड SSN, द लेटर ऑफ द वर्ड, स्पेलिंग लिख दे रहा हूं, SSN, ये वर्ड है SSN, द लेटर ऑफ द वर्ड SSN, आर रिटन डाउन एट ए रैंडम इन ए रो, रिटन डाउन एट ए रैंडम इन ए रो, द प्रोबेबिलिटी डेट, द प्रोबेबिलिटी डेट, द प्रोबेबिलिटी डेट नो टू, द प्रोबेबिलिटी डेट नो टू, नो टू एस ऑकर टूगेदर, नो टू एस ऑकर्स टूगेदर। ठीक है, तो देखिए कभी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए ना, जैसे एसएसएन है, अगर इसी चीज को अगर हम लोग परम्यूटेशन में कर रहे होते तो जो जितने भी एस दे रखे होते उनको हम क्या मानते, सेम मानते, क्या मानते हम लोग, सेम मानते। बट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते समय आपको क्या करना है, जितने भी आपके एस वाले वर्ड है, जैसे ये एस, ये ए, ये एस, ये, ठीक है, ये सारे वर्ड को आप लोग डिफरेंट मानिए। क्या मानिए आप लोग इस चीज को, एस 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 को डिफरेंट मानो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहां पे, ये चीज कि एस वन, एस टू, एस थ्री, एस फोर, ठीक है, डिफरेंट। फिर इसी तरीके से ए वन, ए टू, आई और एन, ये टोटल कितने वर्ड हो जाएंगे हमारे, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ड है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि कोई भी एस आपका साथ में नहीं आना चाहिए, नो टू एस आर टूगेदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये काम कर लीजिए, टोटल निकाल लीजिए, टोटल केसेस निकाल लीजिए, है ना, टोटल केसेस निकाल लीजिए, निकाल लीजिए टोटल केसेस, या टोटल आउटकम बोल लीजिए या केसेस बोल लीजिए, एक ही बात है, टोटल केसेस, चलो टोटल आउटकम्स बोल देते हैं, टोटल आउटकम्स। जब भाई अगर टोटल आउटकम क्या होगा कि 8 के 8 जाके भाई बैठ जाओ, जैसे तुम्हारा मन हो बैठ जाओ, तो फैक्टोरियल 8 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब फेवरेबल केस की बात करते हैं, फेवरेबल केसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए फेवरेबल केस में क्या बोल रहे, नो टू एस आर टूगेदर, इसी को हम लोग बोलते हैं गैप मेथड। क्या बोला जाता है इसी को, गैप मेथड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैप, कि गैप क्रिएट करना बीच में, क्या करना, गैप क्रिएट करना। अब उसने बोला है कि कोई भी एस को साथ में नहीं लाना है, नहीं लाना है, तो मैंने क्या किया, चार एस है, मैंने ये बोला भाई टोटल सबसे पहले 8 ऐसे किया, एक टोटल प्लेस है यहां पे, 8 कैसे कुछ करके होगा, मैंने बोला भाई चारों के चारों तुम लोग जाके पहले बैठ जाओ, A1, A2, A2 को बैठा दिया, फैक्टोरियल 4 तरीके से बैठा दिया। तो जैसे बैठाओगे तो 1 2 3 4 बैठ गए, चार चार तरीके से बैठेंगे तो फैक्टोरियल, तो फेवरेबल केस फैक्टोरियल 4 यहां आ गया भाई। अब देखिए कि इन चार लोगों के बैठने की वजह से टोटल कितने गैप बने, 1 2 3 4 5 टोटल कितने गैप बने, 5 गैप बने। हमारे पास एस कितने हैं, 4, तो मैं क्या करूंगा भाई, इन 5 प्लेसेस में से कोई भी 4 प्लेस को क्या करता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, प्लेसेस को सेलेक्ट। तो प्लेसेस को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, 5C4। ये 5C4 बोलता क्या है, सेलेक्शन, अगर याद है आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा था NCR के बारे में, तो ये क्या बोलता है, सेलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलता है NCR,
selection of r different object from n different object. ठीक है, हमारे पास एसेंशियल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा जिसमें से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दें. फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r होता है. ठीक है, तो 5C4. अब मैंने क्या किया, कोई चार प्लेस सिलेक्ट कर लिया और ये बोला कि भाई जाए, चार प्लेस तो सिलेक्ट हो गए, इन चार प्लेस में जाके बाकी तुम लोग बैठ जाओ. तो चार प्लेसेस पे अब मान लेते हैं चार प्लेस ये हो गए, 1, 2, 3, 4, ये चार प्लेस हो गया. अब ये चार प्लेस पे चार लोग कैसे बैठेंगे, फैक्टोरियल 4 तरीके से. मैंने क्या कर दिया, फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसी मेथड को, ये जो पूरा जो ये मेथड है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं गैप मेथड बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग, गैप मेथड बोलते हैं. आया समझ में? तो क्या हो गया, अब हमारा फेवरेबल केसेस तो हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम. तो फैक्टोरियल 4, 5C4 इनटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8. इसको आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका पार्ट वन ये था कि सारे एस क्या हो, डिफरेंट हो. अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज, अब बात कर लेते हैं क्या दूसरी चीज बात कर लेते हैं. पहला इसका हो गया, अब अगला है, अगला ये है इसी का, फाइंड सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल एस आर टूगेदर. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल एस आर टूगेदर. Find the probability that all s are together. अब क्या था कि इस केस पे, ये गैप मेथड वाले केस पे क्या था कि जो सारे के सारे s थे वो कहां थे, डिफरेंट प्लेसेस पे होने चाहिए थे, होने चाहिए थे. तो हम क्या करते थे, पहले बाकियों को अरेंज कर देते थे एंड देन बचे हुए प्लेसेस. गैप मेथड में क्या होता है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना गैप मेथड में कि करना क्या है, तो गैप मेथड में ये करना है कि आपको बोले कि इन लोगों को अलग करो, इन लोगों को क्या करो, अलग करो. तो क्या करो, उनको छोड़ दो पहले, जो बचे हुए ना तो उनको बैठा दो. बैठा दिया उनको, अब बैठाने के बाद जितने बैठाओगे तो उससे हमेशा एक क्या होगा, ज्यादा गैप क्रिएट होगा. क्या होगा, एक ज्यादा, जैसे पांच है, पांच लोगों को बैठाओगे तो कितने गैप क्रिएट होंगे, 6 गैप क्रिएट होंगे. तो उन 6 में से अगर 6 के 6 लोगों तो डायरेक्टली बैठ जाएंगे, कम लोग हैं तो प्लेस सेलेक्ट कर लो, प्लेस सेलेक्ट करके बाकी को बैठा दो. उस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, गैप. अब जो अगला है, क्या बोला कि सारे एस को साथ मिलाना है, तो S1 S2 S3 S4 इनका मैंने एक बंडल बना लिया. क्या बना लिया, बंडल. और बचे हुए क्या हुए, A1 A2 IN, यही आएगा. अब हमारे पास कितने यूनिट्स होंगे, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो टोटल 8 लोग थे, पर अगर सारे एस को साथ में बैठाना है, साथ में, तो मैंने उनको एक साथ बांध दिया, रस्सी लिया और बांध दिया अच्छे से एकदम टाइट करके, तो बांध दिया. तो ऐसे मेथड को हम लोग बोलते हैं टाई मेथड. क्या बोलते हैं इसको, टाई मेथड बोलते हैं. टाई मेथड का मतलब क्या है कि लोगों को साथ में बांध देना, जिस भी चीज को हम लोग को करना है उनको साथ में बांध दिया. तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम निकाल लेते हैं, बाद में इसकी बात करते हैं. पहले टोटल आउटकम्स कितने होंगे, फैक्टोरियल 8 होंगे. याद रखिएगा, मैंने क्वेश्चन में बोला है कि कभी भी अगर ऐसे सेम चीज लिख के रखे हो या कुछ भी लिख के रखा हो, हमेशा उसको डिफरेंट मानिएगा. क्या मान, क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी में दोनों तरीके से कर सकते हैं, सेम मान के भी और डिफरेंट मान के भी, बट हम लोग हमेशा कंफ्यूजन ना हो तो हमेशा क्वेश्चन को डिफरेंट मान के ही सॉल्व करेंगे, कभी गलती नहीं होगा. ठीक है, तो देखो टोटल आउटकम तो फैक्टोरियल 8 होगा. फेवरेबल की बात कर लेते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं. अब हमारे पास कितने यूनिट है, 5 यूनिट है. तो मैंने फैक्टोरियल 5 से क्या किया, उनको बैठा दिया. बट ये 4 के 4 जो डिफरेंट है, अपने में भी तो अरेंज हो सकते हैं अपने में अरेंज. फैक्टोरियल 5 क्यों किया, फैक्टोरियल 5 क्योंकि A1 A2 IN ये 4 हो गए, साथ में एक ये 5, तो फैक्टोरियल 5 से मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया. फैक्टोरियल 4 एक और आएगा. फैक्टोरियल 4 क्यों आया, हेलो फैक्टोरियल 4 क्यों आया, इंटरनल अरेंजमेंट. ये जो H1 H2 H3 H4 है, ये चारों भी तो अपने में अरेंज हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं, ये चार लोग भी तो अपने में क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8, यही क्या होगा हम लोगों का आंसर. तो ये सेकंड क्या हो गया हम लोगों का, टाई मेथड हम लोगों को आपको लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा, गैप मेथड एंड
टाइम मेथड में डिफरेंस क्या होता है, गैप मेथड में क्या होता है, गैप क्रिएट करना कि पहले लोगों को बैठा दो, जितने भी गैप बचे उनमें बाकियों को बैठा दो बचे हुए। टाइम मेथड में क्या होता है, हम सबको बांध देते हैं, क्या करते हैं हम लोग सब लोगों को बांध देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लेट ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड फोर टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। First, all outcomes are identical. Second, number of heads greater than number of tails. Third, equal number of heads and tails. ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, हेलो, समझ आया? हाँ, चलिए इसकी अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। तो कितने हमारे पास कॉइन है, एक ही कॉइन है पर चार बार टॉस कर रहा है। ठीक है, तो पहला ए बी सी डी यही आएगा। अब सीधी सी बात है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, पहले चीज की बात करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा, 2 की पावर 4, दैट इज 16। कितना होगा हम लोगों का, 16, क्योंकि 2 का पावर n होता है। कभी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होता है, 2 की पावर n होता है। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4, 16। कुछ लिख भी लेते हैं, जैसे सबसे पहले हेड 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 टेल हेड, ऐसे करके आता जाएगा, है ना। तो इस तरीके से पूरी सीरीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लास्ट में क्या क्या आ रहा होगा, टेल आएगा। तो टोटल कितने आउटकम आएंगे, ये टोटल 16 आउटकम आएंगे। ठीक है, अब पहला, ऑल आउटकम्स आर आइडेंटिकल का मतलब क्या है, कि चारों में हेड आ जाए और चारों में टेल आ जाए। कितने केस हैं, केवल दो केस, एक ये और एक ये। तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन 16, क्योंकि कैसे लिखा 2 अपॉन 16, 2 तो फेवरेबल है, 16 क्या है हम लोगों का, टोटल आउटकम है। ठीक है, सेकंड, नंबर ऑफ हेड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ हेड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल। अब यहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई, कैसे सोचेंगे, देखिए सेकंड, नंबर ऑफ हेड ग्रेटर देन टेल, तो एक क्या हो जाए, चारों के चारों हेड आ जाए ना। तो एक केस तो ये एच 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 ये आ जाए, फिर क्या आ जाए बताओ हम लोगों का, 3 आ जाए ना, कि 3 आपका हेड आ जाए, तो एच 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 टी, और क्या आ जाए, बस, क्योंकि फिर तो बराबर हो जाएगा ना, दो ही केस पॉसिबल है, ऐसे तो नहीं हो सकता एच एच टी टी, तो बराबर हो गया ना, केवल इतनी पॉसिबल है। पर यहां पे बात यह है कि इसका तो कुछ कर नहीं सकते, इसका कर सकते हैं। इसमें टोटल केस कितने पॉसिबल होंगे, 4 केस पॉसिबल होंगे। कैसे 4 केस पॉसिबल होंगे, एच एच टी एच एच टी एच एच टी एच एच एच, ये 4 केस। इस चारों केस में क्या है हम लोगों का, नंबर ऑफ हेड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल। तो टोटल हम लोगों का पॉसिबल कितना हुआ, 5। टोटल आउटकम कितना है, 16। ये आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट, थर्ड क्या है, इक्वल नंबर ऑफ हेड एंड इक्वल नंबर ऑफ टेल्स, तो एच एच टी टी। इसके अलावा कोई केस पॉसिबल है क्या,
बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिर तो बराबर नहीं रह जाएगा। इस तरीके को हम लोग कैसे करते हैं, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, याद है? तो एनसी में हम लोगों ने पढ़ा है कि कभी भी अगर ऐसे सिंपल ये वाली चीज दे रखी हो तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 ए लाइक ऑब्जेक्ट से फिर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कर लीजिए 4 3 2, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं क्या क्या केस होगा, एच 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 टी एच टी टी एच टी एच एच टी टी एच टी एच ऐसी आएगा। दो और आ जाएंगे हम लोगों के, दो और क्या आएंगे, टी टी एच एच आ जाएगा, और एक और कौन सा बच गया, हाँ टी एच सॉरी एच टी एच एच टी टी एच ला ये ऊपर लिख देता हूं, ये एच टी टी एच। तो ये टोटल 6 केसेस पॉसिबल है जहां पे इक्वल नंबर ऑफ हेड और टेल होंगे, तो कितना आ जाएगा, 6/16। तो ये हो गया, इस तरीके की क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है? तो इस चीज को भी हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग या तो इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, या मन करे तो पूरा इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बर्नौली ट्रायल्स वाला चीज पढ़ लेते हैं। कौन सा पढ़ लेते हैं, बर्नौली ट्रायल्स वाली चीज पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोगों का बर्नौली ट्रायल्स, कौन सा हम लोगों का नेक्स्ट है, बर्नौली ट्रायल्स, बर्नौली ट्रायल्स, या जो आप लोगों ने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था लास्ट चैप्टर, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो उसको थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या पार्ट है हम लोगों का, बाइनोमियल ट्रायल्स, बाइनोमियल ट्रायल्स, जो फॉर्मूला है बेसिकली की, जो ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इज इक्वल टू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ये फॉर्मूला ये कहां पढ़ा था हम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी पढ़ा था, और लास्ट में जाके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा था। किसमें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा था। तो क्या है, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ठीक है? यहां पे पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्नौली, स्पेलिंग पे ध्यान मत जाना, बस सुनते जाओ, बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है? बर्नौली की स्पेलिंग खुद से देख लेना, बर्नौली ट्रायल्स। अब ये होता क्या है, हम लोग थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझते हैं। बर्नौली ट्रायल्स का मतलब क्या है कि मैंने मान लो कोई एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया मैंने, कोई एक एक्सपेरिमेंट किया। जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूंगा ना, तो उसमें केवल दो ही आउटकम पॉसिबल है, क्या है, केवल तुम्हारे दो ही आउटकम पॉसिबल है, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। जैसे कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने आउटकम पॉसिबल है, दो आउटकम, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मान लो अगर मैंने डाइस को थ्रो किया, तो अगर मैं दो इवेंट बना दूं, ठीक है, कि एक इवेंट नंबर आएगा या एक ऑड नंबर आएगा, तो इस केस में भी क्या है, केवल दो ही आउटकम पॉसिबल है, या तो इवेंट नंबर आना या तो ऑड नंबर आना, तीन, दो से ज्यादा नहीं, मिनिमम क्या होना चाहिए, केवल दो इवेंट पॉसिबल होंगे, ठीक है? उसमें एक को बोल देते हैं हम लोग सक्सेस हो गया, तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग पी को क्या बोलते हैं, पी को, ठीक है? जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी यहां पे पी प्लस क्यू क्या आ जाएगा हम लोगों का, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी को बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, पी बोल देते हैं, जो सक्सेस वाला चीज है, सक्सेस वाली चीज को जो प्रोबेबिलिटी, ये पी वाले को हम लोग सक्सेस बोल देते हैं। ये पी और ये अलग है ना, पी इसको स्मॉल पी है, ये स्मॉल, ये हम लोगों का स्मॉल पी है ये वाला चीज, और ये प्रोबेबिलिटी वाला, ये जो पी लिखा है ये कैपिटल पी, प्रोबेबिलिटी वाला पी, ये सक्सेस हो जाता है और ये क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या फॉर्मूला क्या होता है, आर सक्सेस, आर सक्सेस। जैसे मैं अगर कॉइन को टॉस करता हूं, तो मैंने 5 बार टॉस किया 5 बार टॉस, मैंने सक्सेस को बोला कि टेल आना सक्सेस है, क्या है हम लोगों का, टेल आना सक्सेस है। तो मैं ये थोड़ी करूंगा कि काउंट कर, मैं बोलूंगा कि 3 बार टेल आएगा तो हमारा सक्सेस है, तो मैं ये थोड़ी काउंट करता हूं कि सर कितने बार टेल आ रहा है। तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला निकाल दिया, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, पी की पावर आर एंड क्यू की पावर एन माइनस आर आएगा, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ठीक है? इसी में आगे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वेरियंस इज इक्वल टू एन पी क्यू होता है
एंड मीन इज इक्वल टू एनपी होता है। ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस एनसीआर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। वेरियंस स्टैटिस्टिक्स वाली चीज है, पर यहां पे प्रोबेबिलिटी में यूज होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनपी क्यू। एंड मीन क्या होता है हमारा, एनपी होता है। हमेशा याद रखिएगा जो मीन होगा वो हमारा वेरियंस से बड़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि जो पी और क्यू होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वन से छोटे होंगे। तो ये अगर एनपी हमारा टू है, उससे वन से छोटे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, हमेशा कम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला पार्ट। इसमें एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ए पेयर ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एट टाइम्स getting doublet is a considered a success. A pair of dice is thrown eight times, ठीक है, getting a doublet is success, then find the probability of first no success, second at least one success, third exactly one success, fourth at most one success, ठीक है, एटमोस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको आगे हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये लेक्चर आज यहीं पे एंड करेंगे। देखिए सबसे पहला हमारे पास किस फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस का क्या होता है, एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। तो क्या 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 चीज निकालना है, हम सबसे पहले ये देखते हैं, एन की वैल्यू पता है क्योंकि वो आठ टाइम टॉस कर रहा है। पी पता है क्योंकि डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1, और टोटल 6 आएगा, और हमारे पास टोटल आउटकम कितने होंगे, 36, तो 1/6 आ जाएगा। पी पता है तो क्यू पता है, 5/6 पता है, तो सारी चीजें पता चल गई, केवल रखते जाइए वहां पे। तो प्रोबेबिलिटी पहला नो सक्सेस, पहला क्या है, नो सक्सेस मतलब कोई भी चीज सफल ही नहीं हो रहा है, उसका डबलेट आ ही नहीं रहा है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब 8C0, P की पावर 0, तो 1/6 की पावर 0, फिर क्या आ जाएगा, 5/6 की पावर 8, ठीक है, 8 माइनस 0 इज 8, तो निकाल लीजिए 8C0 1 होता है, 1/6 उतनी आ जाएगा, ये क्या आ गया, 5/6 की पावर 8 आ जाएगा। अब ये एक्चुअल में चाहे ना तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, नो सक्सेस मतलब क्या, कुछ भी नहीं आ रहा होगा, तो अगर 8 बार, अगर मैं इसको इससे नहीं करता हूं बाइनोमियल से इस वाले की, तो ऐसे करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले वाले में डबलेट नहीं आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6, दूसरे वाले की कितनी होगी, 5/6, तीसरे की 5/6, फोर्थ की भी 5/6, फिफ्थ की 5/6, सिक्स 5/6, सेवेंथ 5/6, एट 5/6, तो सारे के कितने आएंगे, 5/6 5/6 5/6, और सारे क्या होंगे, मल्टीप्लाई, उसको दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, पहले थर्ड करते हैं फिर सेकंड करेंगे। एग्जैक्टली वन सक्सेस, एग्जैक्टली वन क्या, R इज इक्वल टू वन, तो 8C1, 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर 7, क्योंकि 8 माइनस 1 इज 7, तो ये कैलकुलेट कर लेना खुद से। अब देखो इसका मतलब क्या है, वन सक्सेस मतलब क्या, आठ में कोई भी एक जगह पे आ जाए, आठ में कोई भी एक जगह, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 8 आ गया। अब कोई भी एक इसमें भी आ सकता है, इसमें भी किसी में भी आ सकता है, तो मैंने आठ में से भी कोई भी एक प्लेस सिलेक्ट कर लिया, वो प्लेस मान लेते हैं ये सिलेक्ट हो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा क्योंकि यहां पर डबलेट आ रहा है, बाकी सारे जगह क्या हो जाएंगे, हमारा जो डबलेट नहीं आना वो कितना बार आ जाएगा, 5/6 की पावर 7, तो ये प्रोबेबिलिटी से हो गया, बाय डायरेक्टली फॉर्मूले से इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड,
एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट मतलब क्या? मिनिमम। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो क्या करा करो, उसको एग्जैक्टली में कन्वर्ट करो। क्या करो उसको हमेशा? एग्जैक्टली में। एटलीस्ट वन सक्सेस तो मतलब एग्जैक्टली वन सक्सेस, एग्जैक्टली टू सक्सेस, एग्जैक्टली थ्री सक्सेस, एग्जैक्टली फोर, एग्जैक्टली फाइव, एग्जैक्टली सिक्स, ऐसे करके क्या रहता जाएगा, सीरीज बढ़ता जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं हमेशा? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस, टोटल वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर जीरो। और आर बराबर जीरो हम लोगों ने पहले केस पे निकाला है, रख दो तो वन माइनस फाइव बाय सिक्स की पावर एट आ जाएगा। तो क्या किया यहां पे हम लोगों ने? बाकी जगह निकालने का, बाकी जगह से निकालने की जगह हम लोगों ने क्या किया कि टोटल माइनस कोई भी चीज कोई भी ना आए वो कर दिया। ठीक है, लास्ट फोर्थ कर लेते हैं, एटमोस्ट। तो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। तो प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट वन सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर जीरो, या तो कोई सक्सेस ना हो या एक हो जाए। एटमोस्ट को भी हमेशा किसमें कन्वर्ट करेंगे? एग्जैक्टली में। तो एटमोस्ट वन, तो एग्जैक्टली जीरो, एग्जैक्टली वन, जीरो और वन यहां निकाल के रखा हुआ है। तो पहले फर्स्ट और थर्ड वाला आंसर लाके यहां रख दो, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। बाइनोमियल वाला पार्ट था जिसको पढ़ना जा काफी इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ज्यादा आप लोगों का आता है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए। ठीक है, और बाकी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ाई है, तो उस वाले चीज को मैं आगे नहीं करा रहा हूं कि एनपी दे रखा है, एनपी क्यू दे रखा है, तो डायरेक्टली उसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तभी भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तभी भी कर लेते हैं। इफ डिफरेंस बिटवीन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन। इफ डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरियंस ऑफ बीपीडी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज वन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज वन, इफ डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरियंस ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज वन एंड डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर इज 11, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली फाइव सक्सेस। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? मीन, फॉर्मूला क्या होता है मीन का? एनपी। वेरियंस का क्या होता है? एनपी क्यू। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस, तो एनपी माइनस एनपी क्यू वन दे रखा है। अब इनके स्क्वायर का भी डिफरेंस दे रखा है, तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 11 दे रखा है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एनपी प्लस एनपी क्यू, ये कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि एनपी माइनस एनपी क्यू, एनपी प्लस एनपीपी क्यू, तो इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। दोनों को सॉल्व कर लो, तो एनपी प्लस एनपी क्यू माइनस है यहां माइनस 1 बराबर कितना? 1। दोनों को जोड़ दो तो एनपी बराबर कितना आ जाएगा? 12। एनपी बराबर कितना आ गया आपका? सॉरी 6 आएगा ना, गलती से मैंने इसको लिख दिया 6। इसको यहां रख दो तो एनपी क्यू कितना आ गया? 5 आ गया। दोनों को डिवाइड कर दो, तो दोनों को डिवाइड करो तो 1/q 6/5, तो q कितना आ गया आपका? 5/6। p कितना आ जाएगा? 1/6 यही आएगा, रख दो वहां पे, तो p को यहां रख दो, तो n कितना आ जाएगा आपका? 36 आ जाएगा। और उन्होंने कितने सक्सेस का बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ r बराबर 5, तो एन सी आर पी की पावर r q की पावर n माइनस r, तो एन सी आर तो n की वैल्यू 36, c r कितना दे रखा है? r 5 है, p कितना है? 1/6 की पावर 5, q 5/6 की पावर 31, ये आ जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर एंड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर अगले क्लास पे देखते हैं। ठीक है, आज के लिए ही इतना।